नमस्कार, मेरा नाम निमिल तिवारी है और मैं आप सभी का अचीवर्स एसएस एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो कल की जो मेरा वीडियो था वो केमिस्ट्री पर था और हमने केमिस्ट्री की यहाँ शुरुआत की थी और हमने सबसे पहले हमने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा था और वो इसलिए पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल है वही हमारे केमिस्ट्री का क्या है तो बेसिक है। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो मेरा आने वाला जो वीडियो होगा वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा, मतलब मैं मेटल और नॉन मेटल को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीरियोडिक टेबल के कुछ बहुत टर्मिनोलॉजी मैं आपको और समझा दूं, उसके बाद मैं वहां जाऊंगा। तो चलो हम चालू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में। तो कल हमने जाना था कि जो मेंडलीव है, डिमिट्री मेंडलीव, जिन्होंने 1869 में हमें एक पीरियोडिक टेबल दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, मैंने बताया था करीब 114 से ज़्यादा इसमें क्या है तो एलिमेंट्स हैं, इन सभी 114 से ज़्यादा एलिमेंट्स को हमने उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से यहाँ पर प्लेस किया था। और मैंने आपको ये बताया था कि जो पूरा जो पीरियोडिक टेबल है इसको हमने दो ग्रुप में, इसको हमने दो भाग में बांटा, एक क्या है तो पीरियड है और एक क्या है तो ग्रुप है। अब ये देख सकते हैं कि जो पीरियड है वो क्या था, तो पीरियड हॉरिजॉन्टल लाइन था, और जो ग्रुप था वो ग्रुप क्या था, तो वर्टिकल लाइन था। तो वर्टिकल लाइन को हमने क्या बोला, ग्रुप बोला, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या बोला, पीरियड बोला। फिर मैंने आपको बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स है उसकी संख्या कितनी है, तो 7 है। और ये जो पीरियड है, ये पीरियड इंडिकेट करता है, ये जो पीरियड है ये पीरियड इंडिकेट करता है किसी भी एलिमेंट के, एटम के नंबर ऑफ सेल्स को। तो नंबर ऑफ सेल्स को डोनेट करने वाला, या सॉरी नंबर ऑफ सेल्स को बताने वाला, इंडिकेट करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला क्या होता है, तो पीरियड होता है। और वही अगर मैं बात करूं कि इसकी ग्रुप्स की, तो ग्रुप क्या करता है, तो ग्रुप किसी भी एलिमेंट के एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने वाला क्या होता है, तो ग्रुप होता है। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा था, हमने कुछ आइडिया हमने लिया था, प्लस हमने ये भी जाना था कि जो आपका जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव ने 4 ब्लॉक में बांटा है। और वो 4 ब्लॉक क्या थे, तो पहला एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और हमने ये भी जाना था कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स में जो अधिकांश एलिमेंट्स है वो हमारे क्या है, तो मेटल है। तो मेटल यहां डोमिनेट करता है किसको, पीरियोडिक टेबल को। नॉन मेटल्स की संख्या सिर्फ कितनी थी, तो 22 थी। और वो जो 22 नॉन मेटल था, उन 22 नॉन मेटल में 21 नॉन मेटल हमें कहां मिल रहा था, तो पी ब्लॉक में। सिर्फ एक ही ऐसा नॉन मेटल था जो हमें एस ब्लॉक में मिलता, वो क्या था, हाइड्रोजन था। हालांकि एस ब्लॉक में हाइड्रोजन के अलावा जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या है, तो मेटल ही है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट डोमिनेटिंग अगर अगर बात करो क्या एलिमेंट्स की, तो वो क्या है, तो मेटल है। चलिए अब हमारे इस वीडियो में हम अपने क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं और मैं ये चाहता हूं कि कुछ बहुत और मैं आपको यहां जानकारी दे पाऊं। किसके बारे में, तो पीरियोडिक टेबल के बारे में, क्योंकि केमिस्ट्री अगर हमको पढ़ना है तो केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि कई हम टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, जैसे बार बार हम बोलते हैं वैलेंसी, हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो पहले हमको ये जानना होगा कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसीज क्या होती है, तभी तो जाकर हमको केमिस्ट्री समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आने वाला, मुझे मालूम है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं किससे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो अब ये देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले आपको समझना होगा किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियर चार्ज को। जो एलिमेंट्स होता है उन सभी एलिमेंट्स के क्या होते हैं, तो एटम्स होते हैं। जो एटम्स होता है उस एटम के बीच में आपको एक क्या दिख रहा होगा, न्यूक्लियस दिख रहा होगा। जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ध्यान दीजिएगा, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन शब्द से समझ जाइए, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, मतलब जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ना ही ये निगेटिव होता है, ना ही ये क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। और वही अगर मैं बोल रहा हूं क्या, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन मतलब समझ जाइए पॉजिटिव पार्टिकल,
मतलब जो पॉजिटिव चार्ज इसके पास हो वो क्या है, तो प्रोटॉन है, P से पॉजिटिव, P से प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। अब ये जो न्यूट्रॉन है उसमें क्या होगा, तो न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल रहेगा, ना ही वो पॉजिटिव चार्ज्ड होगा ना ही वो नेगेटिव चार्ज्ड होगा। तो जो न्यूक्लियस होते हैं उस न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपको ऑर्बिट दिखता है, उसको हम बोलते हैं शेल। इस सेल्स में कौन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज्ड होता है। तो जो ऑर्बिट में जो रिवॉल्व हो रहे हैं वो क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है। तो ध्यान दीजिएगा, एटम के अंदर में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि हमको पता है कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन का ही क्या है, चार्ज है, इसलिए जो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वही हमारा क्या होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, मान लीजिए हम एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि हम उदाहरण में हम लेते हैं सोडियम को, तो आपको यह मालूम है, कल मैंने आपको बताया था कि सोडियम जो है वो कौन से ग्रुप में आता है, पहले ग्रुप में आता है, किस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में। तो समझिए एस ब्लॉक के पहले ग्रुप में क्या है, तो सोडियम है, और सोडियम कौन से पीरियड में आएगा, तो देख लीजिए सोडियम जो है वो तीसरे पीरियड में आएगा, तो सोडियम तीसरे पीरियड में आएगा और पहले ग्रुप में आएगा। तो तीसरे पीरियड में आएगा तो आप समझ जाइए पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल। तो सोडियम के पास कितने नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट होगा, तो तीन होगा, क्योंकि तीसरे पीरियड में है, तो नंबर ऑफ सेल कितना होगा, तीन होगा। तो आप देख सकते हो कि बीच में न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कितने ऑर्बिट है, तो तीन ऑर्बिट है, किसके, सोडियम के। और जो सोडियम है वो कौन से ग्रुप में आता है, पहले ग्रुप में आता है, और मैंने बताया था जो ग्रुप है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, तो वो रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। मतलब अगर पहले ग्रुप में है तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक ही होगा। तो सोडियम के जो आउटर मोस्ट सेल में जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है वहां कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब चूंकि जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, तो एटॉमिक नंबर अगर 11 है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और वही क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, मतलब सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 ही होंगे, और सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा, तो 11 होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज, और प्रोटॉन में इतने, और यहां पर कितने प्रोटॉन है, तो 11, तो 11 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर जो सोडियम है, तो सोडियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना होगा, यहां पर 11 होगा। तो ये हमारा क्या था, तो न्यूक्लियर चार्ज था। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अब ये समझिए। तो मैंने जैसे एक उदाहरण आपका लिया क्या, सोडियम, तो मैंने बताया कि जो सोडियम है, सोडियम में कुल मिलाकर जो ऑर्बिट है वो कितने हैं, तो तीन है, क्योंकि ये तीसरे पीरियड में आता है, और क्योंकि पहले ग्रुप में आता है तो पहले ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका सोडियम है, सोडियम के बीच में क्या है, तो न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में कितने ऑर्बिट है, तो तीन है। जो तीसरा जो ऑर्बिट है उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक है, और एक क्यों है, तो ध्यान दीजिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर वो कितना है, 11 है। तो 11 अगर एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, सबसे पहले अपने डुप्लीट कंप्लीट करेगा, अपने पहले जो ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो दो, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कितने हुए, 8, 9 नहीं रह सकता, कितना रहता है, 8 रह सकता है। तो पहले ऑर्बिट में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो कितने रहेगा, दो, तो दो, उसके बाद कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, तो 2, 8,
तो 2 और 8 कितना हो गया 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया यहां पर प्लेस कर दिया। सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर है 11, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, अब एक बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन को आप उसके आखिरी में क्या करोगे ऐड कर दोगे, प्लेस करोगे। तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो सोडियम है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितना है, तो एक है। तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो जो एलिमेंट की जो संख्या होती है वही हमारा क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जब समझ गए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के समझने के बाद हम वैलेंसी को भी समझ सकते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर जो एलिमेंट है वो हमेशा कंपाउंड बनाना पसंद करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी एक मेटल और एक नॉन मेटल जब ये आपस में मिलते हैं, तो मेटल और नॉन मेटल के आपस में मिलने के बाद कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो कंपाउंड क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो क्या बनता है, तो कंपाउंड बनता है। और वहीं जब दो मेटल आपस में मिल जाए, व्हेनेवर जब कभी भी दो मेटल आपस में मिलते हैं, तो दो मेटल के आपस में मिलने के बाद क्या बनता है, तो एलॉय बनता है, मिश्र धातु बनता है। क्या बनता है, मिश्र धातु। तो एक क्या हो गया मिश्र धातु, एक क्या हुआ मिश्र धातु, और एक क्या हुआ, तो एक हुआ आपका क्या, तो कंपाउंड हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमें पढ़ना क्या है, तो कंपाउंड को हमको देखना है, तभी जाके हमको वैलेंसी समझ में आएगा। अब वैलेंसी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वैलेंसी वैलेंसी हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। या तो आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी बोल दीजिए, या तो आप 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो भी क्या है, तो वैलेंसी होता है। ये क्यों होता है, आप ये देखिए, अगर मैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी बोलूं, तो वो तभी काम आएगा जब किसी भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, तो 4 हो, 4 या 4 से कम हो, तो वैलेंसी कितना होगा, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। वहीं अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा अगर क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उस समय वैलेंसी क्या होता है, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जैसे कि जो सोडियम है, सोडियम का जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो 1 है, तो सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। एक उदाहरण मैं सुनाता हूं, एक टेबल बना देते हैं अपन। टेबल कैसे बनाते हैं, एक काम करते हैं, सोडियम से लेके आर्गन तक जाते हैं, एक पीरियड में हम जाते हैं और इस पीरियड में सबका वैलेंसी निकाल देते हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। सोडियम के बाद आप देख सकते हो क्या है, तो कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाजू में क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाजू में क्या आएगा, तो सिलिकन आएगा, सिलिकन के बाजू में क्या आएगा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाजू में क्या आएगा, सल्फर, और सल्फर के बाजू में क्या आएगा, क्लोरीन, और क्लोरीन बाजू में क्या आएगा, आर्गन आएगा। ये 8 मेरा क्या है, एलिमेंट है, कि कौन से पीरियड के, तीसरे पीरियड के। पहले पीरियड में क्या था, तो पहले पीरियड में हमारा क्या था, तो सोडियम था, और सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो आप देख सकते हो कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कैसे बन रहा है, 2.8 और 1, क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है। फिर देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसकी क्या आएगा, तो मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, तो इसका क्या बनेगा, 2, 8 और 2। इसके बाद देखिए क्या आएगा, तो मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आएगा, और एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है, तो 2.8.3। एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा, तो एल्यूमिनियम के बाद आएगा आपका सिलिकन, और सिलिकन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 14, तो क्या मैंने कहा, 2.8.4। फिर सिलिकन के बाद क्या आएगा आपका, तो फॉस्फोरस आएगा, और जो फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 15 होगा, तो क्या आएगा, 2.8.5। फॉस्फोरस के बाद क्या आएगा, सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, तो 2.8.6। और फिर क्या आएगा, क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो 17 है, तो क्या बनेगा, 2.8.9।
7, फिर आखिरी में क्या आएगा आर्गन 2.8.8। तो ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आप देखिएगा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद मैं क्या बोलूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि पहले सेल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दो है इसके सोडियम के। दूसरे सेल में 8 आएंगे तो कितना है 8 आ गया। तीसरे में कितना आ सकते हैं 8 आ सकते हैं। तीसरा जो है तीसरा पीरियड में कितने थे 8 थे। चौथे में 18 आएंगे तो यहां पर तीसरा तक आ जा रहा है, तो तीसरे में कितना आएगा 8 आएगा। लेकिन यहां पर कितना आ सकता है सिर्फ एक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना है 1 है। मैग्नीशियम कितना है देखो आखिरी में कितना है 2 है, तो यहां पर 2। एल्युमिनियम कितना आएगा 3, सिलिकॉन कितना आएगा 4, फॉस्फोरस कितना आएगा 5, सल्फर कितना आएगा 6, क्लोरीन कितना आएगा 7, और आर्गन कितना आएगा तो 8 आएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है। सिलिकन में कितना है 4 है। फॉस्फोरस में कितना है 5 है। सल्फर में 6 है। क्लोरीन में 7 है। और आर्गन के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी है 8 है। आपके मालूम है कि तीसरा जो पीरियड है उसमें उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 ही आ सकते हैं। तो यहाँ आर्गन यहाँ पर क्या है स्टेबल हो गया। तो आर्गन यहाँ पर स्टेबल क्या है एलिमेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं नोबल गैस। अब यहाँ मुझे वैलेंसी निकालना है, तो वैलेंसी निकालते हैं। क्या है वैलेंसी देखते हैं यहां पर। सोडियम का जो क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है तो 1 है। और मैंने बताया था कि अगर 4 है, अगर 4 से कम है तो वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंसी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और वहीं अगर 4 से ज्यादा है मतलब मोर देन 4 है मतलब 5, 6, 7 है, तो यहां पर जो वैलेंसी है वो इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो ध्यान दीजिएगा अगर सोडियम है तो कितना है 1 है मतलब 4 से कम है, तो वैलेंसी बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम का वैलेंसी कितना होगा 1 होगा। मैग्नीशियम में कितना होगा 4 से कम है, मैग्नीशियम कितना है आउटर मोस्ट सेल में 2 है, तो यहां पर क्या होगा वैलेंसी 2 हुआ। एल्युमिनियम का आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 3 है, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी भी क्या होगा 3 होगा। सिलिकॉन का कितना होगा 4 होगा। अब देखिए यहां पर यहां चेंज आ जाएगा, जो फास्फोरस है फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 5 है। और मैंने बताया था जब 5, 6, 7 पहुंच जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि 5, 6, 7 या 8 जब 4 से ज्यादा हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उस समय हम क्या करेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो यहां पर क्या होगा 8 माइनस 5 करेंगे तो इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इसलिए फास्फोरस का जो वैलेंसी है वो कितना है 3 है। वैसे सल्फर देख लीजिए 8 माइनस आप क्या कर दीजिए 6, तो सल्फर कितना हो जाएगा 2। और वहीं अगर हम बात करें क्लोरीन का तो 8 माइनस क्या कर दीजिए 7, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा 1। और वही अगर आप क्या कर दो आर्गन, तो आर्गन 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से जो आपका सोडियम है तो सोडियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है 1 है। मैग्नीशियम कितनी है 2 है। एल्युमिनियम कितनी है 3 है। सिलिकॉन कितनी है 4 है। फिर फॉस्फोरस कितनी है तो 3 है। सल्फर कितनी है तो 2 है। क्लोरीन का कितना है तो 1 है। और आर्गन का कितना होगा 0 होगा। ये वैलेंसी है क्या, ये वैलेंसी क्या डिनोट करता है, तो ध्यान दीजिएगा जब कभी भी कोई भी एलिमेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो कंपाउंड के फॉर्मेशन वो अपने वैलेंसी के आधार पर करता है। यही वैलेंसी इसको बताता है कि उसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है कि उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करना है या इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। ठीक है, तो मतलब किसी भी एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये हमें क्या बता रहा है उसका वैलेंसी बता रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए सोडियम को अपना ऑक्टेट अपने आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करना क्या है कि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है डोनेट करना है। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या है 1 है। तो ये क्या हुआ डोनर हुआ, ये क्या हो गया डोनर। और वही ध्यान दीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन को अपना आउटर मोस्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या हुआ एक्सेप्टर बनेगा किसका इलेक्ट्रॉन का। तो ये एक्सेप्टर है कौन आपका क्लोरीन।
तो क्लोरीन एक्सेप्टर है और यहाँ पर जो सोडियम वो क्या है, डोनर है। और ध्यान दीजिएगा, डोनर डोनर हमेशा वही होगा जो धनवान होगा, और एक्सेप्टर हमेशा वही होगा जो क्या होगा, ऋणी होगा। तो ऋणी मतलब निगेटिव, धनवान मतलब पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव होगा वो कौन होगा, डोनर होगा, क्योंकि वो सरप्लस है, वो पैसा वाला है। और जो निगेटिव है वो मतलब गरीब है, उसको चाहिए। तो जो गरीब है वो क्या बन जाएगा, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल हमेशा क्या होता है, ऋणी। और जो अमीर है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, मेटल। तो मेटल यहां पर क्या है, रईस है, क्योंकि मेटल के पास सरप्लस इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। और नॉन मेटल यहां पर क्या है, नॉन मेटल तो यहां पर ऋण लेना चाहता है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या है, कम है, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। हालांकि ये चीज हम बाद में समझेंगे जब हम मेटल और नॉन मेटल का एक अलग से वीडियो में लेकर आऊंगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीन चीज जाना, एक क्या जाना, न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा हमने क्या जाना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और तीसरा हमने क्या जाना, तो तीसरा हमने जाना वैलेंसी निकालना। अब ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को जब मैं आगे बढ़ा देता हूँ और हम मैं देखता हूँ कि एक नया चीज आपको यहाँ बताता हूँ कि इसी पीरियोडिक टेबल में और थोड़ा बहुत हम जानकारी ले लेते हैं, ज्ञान ज्यादा बढ़ो लो ज्यादा फायदा है। अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं क्या क्या हम और यहाँ समझ सकते हैं। अब देखिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया टेबल बनाता हूँ और इस टेबल के माध्यम से मैं आपको दो तीन चीज़ और समझाना चाहता हूँ, जिसमें एक होगा किसी भी एलिमेंट का या पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस को समझना। दूसरा हम एक काम करते हैं कि अगर हम पढ़ ही रहे हैं, स्ट्रक्चर हम पढ़ ही रहे हैं, तो एक चीज़ और मैं ले लेता हूँ, रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी के अलावा मैं एक और बताना पसंद करूंगा जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी। ये तीन चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी बोल दीजिए या आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये क्या चीज है, ये सब समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो उसके लिए हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण तौर पर मान लीजिए पहले ग्रुप में आपके पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है लिथियम, एक लेते हैं हम किसको, सोडियम को, और एक पहले ग्रुप हम ले लेते हैं किसको, पोटेशियम को। तो लिथियम जो है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर वो कितना आपको पता है, 3 है। सोडियम कितना है, 11 है, और आपका जो पोटेशियम है उसका कितना है, तो 19 है। तो 19 जो है वो किसका एटॉमिक नंबर है, पोटेशियम का। अब ध्यान देना, अगर मैं इसका एटम का एक संरचना बनाऊं किसका, लिथियम का, तो बीच में क्या आएगा आपका, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और जो चूंकि ये जो आपका क्या है, लिथियम है, लिथियम कौन से पीरियड में है, दूसरे पीरियड में है। आपका जो सोडियम किसमें कौन से पीरियड में है, तीसरे पीरियड में है। और जो पोटेशियम वो कौन से पीरियड में है, चौथे पीरियड में है। तो लिथियम दूसरे पीरियड में है, तो पीरियड हमेशा डोनेट करता है क्या, नंबर ऑफ सेल। तो कितने सेल होंगे इसके पास, 2 सेल होंगे। और चूंकि इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कितना होगा, 2.1। तो आउटर मोस्ट सेल में इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। और मैं आपको बताया था कि आउटर मोस्ट सेल में पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है और सेकंड सेल में कितने आ सकते हैं, 8, लेकिन इसके पास कितना है, 1 है। तो ये अपने आउटर मोस्ट सेल में या तो डुप्लेट को लेके आएगा या ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए इजी क्या है, डुप्लेट को लेके आना, इसलिए ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो देखिए, तो ये देखिए कि ये न्यूक्लियस है और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही है। सेकंड देखिए, सेकंड आपको क्या बन रहा है यहाँ पर, एक मिनट, तो सेकंड में आपको क्या है, सोडियम है। सोडियम देखिए बीच में क्या हुआ आपका, न्यूक्लियस हुआ, और चूंकि तीसरे पीरियड में है तो कितने सेल बनेंगे, 3 सेल बनेंगे, ये 3 सेल मैंने बनाया। और तीसरे सेल में मतलब इसका जो कॉन्फिगरेशन बनेगा, 2.8.1, कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे में 8 आ जाएगा, और तीसरे में 8 आना था लेकिन इसके पास कितना बच गया, 1 ही बच गया। तो कितने हैं, आउटर मोस्ट में इसके पास भी कितने हैं, 1 ही है। तीसरा आ जाइए क्या, पोटेशियम, पोटेशियम बीच में क्या बनेगा, 1 न्यूक्लियस। फिर चूंकि चौथा पीरियड, 4 क्या बनेंगे इसमें, 4 सेल्स बनेंगे, तो हम 4 सेल बना देते हैं इसे, ये 4 सेल बन गया। अब देखिए
इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होगा, 2, 8, 8, 1, ठीक है। तो इसमें 2, इसमें 8, इसमें भी 8, और बस कितने गया, 1 बज गया। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कि न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल का जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी लिथियम में क्या है, कम है। तो लिथियम का ये जो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल की जो दूरी है इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो कभी भी अगर आप बात करो ग्रुप में, मतलब किसी भी ग्रुप की अगर आप बात करते हो, तो अगर मैं बात करूँ किसकी, लिथियम या पहले ग्रुप में, तो पहले ग्रुप में जो लिथियम है, लिथियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो अगर कंपेयर करूँ मैं किससे, किससे, पोटेशियम से या सोडियम से, तो क्या है, कम है। देख लीजिए, न्यूक्लियस से जो रेडियस है वो लिथियम का कम है एज कम्पेयर टू सोडियम, और सोडियम का कम है एज कम्पेयर टू क्या, पोटेशियम। मतलब अगर न्यूक्लियस एक परिवार है और ये इलेक्ट्रॉन एक आप हो, तो आप अपने परिवार से पास में हो अगर आप क्या हो, लिथियम हो, लेकिन पोटेशियम में हो तो आप उतने ही क्या हो, तो दूर हो, और जो दूर है वो उसका टूटने का जो संभावना है वो क्या है, ज़्यादा होता है। तो अगर मैं बात करूँ क्या, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, रिलीज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आउटरमोस्ट सेल। मतलब इतना एनर्जी हम सप्लाई करें जिससे कि किसी भी एटम के आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन था उसको हम क्या कर पाए, रिलीज कर पाए, उसको हम हटा पाए, निकाल पाए। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो लिथियम है, लिथियम का जो न्यूक्लियस है वो पास में किससे, तो आउटर मोस्ट सेल में। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या है, ज़्यादा है, मजबूत है। तो लिथियम से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, हाई होगा, क्या होगा, ज़्यादा। वही अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम का जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो दूरी है न्यूक्लियस वो क्या है, ज़्यादा है। तो न्यूक्लियस ज़्यादा दूरी होने के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होने के कारण यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, तो ज़्यादा आसान है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान होने के कारण हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लिथियम के कंपेयर में क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसका जो एटॉमिक साइज क्या है, ज़्यादा, लिथियम का एटॉमिक साइज क्या है, कम है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी अगर आप ग्रुप की बात करोगे तो ग्रुप में अगर हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की, तो ये हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज। इंक्रीज कैसे होगा, लिथियम से ज़्यादा सोडियम का होगा, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम का होगा, और पोटेशियम से ज़्यादा किसका होगा, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम का होगा। वही अगर मैं बात करूँ किसकी, तो आयनाइजेशन एनर्जी की, तो अगर आप ग्रुप में हो तो ग्रुप में जो आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होता है, हमेशा डिक्रीज। डिक्रीज क्या होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्या, सोडियम, और सोडियम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्या, तो पोटेशियम। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी ये है जैसे कि जो मेटल होता है, मेटल का काम क्या है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, तो जो मेटल जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, मेटल होगा। तो आप ये देख सकते हो कि इन तीनों में, अगर मैं बात करूँ लिथियम सोडियम और पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम में आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है, तो यहाँ दिख रहा है मुझे आसानी से वो ही कर सकता है जो कि अपने परिवार से दूर हो, मतलब जो न्यूक्लियस से क्या हो, दूर हो। न्यूक्लियस से दूर होगा मतलब यहाँ पर फोर्स कम है, फोर्स कम है मतलब यहाँ पर लो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा, जितना कम आयनाइजेशन, तो यहाँ पर एनर्जी कम लग रहा है इसको निकालने में, इसको एनर्जी कम लग रहा है इसको निकालने, मतलब ये आसानी से निकल सकता है। मतलब जो पोटेशियम का जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको आयनाइजेशन एनर्जी वहाँ पर कम लगना है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, तो पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद क्या है, सोडियम है, और उसके बाद क्या है, लिथियम है। तो इसलिए आपसे ये बोला, कभी पूछता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कोई मेटल या एलिमेंट होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली कौन होगा, पोटेशियम होगा। और बाद में हम देखेंगे जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करता है किसमें, वैलेंसी में।
वैलेंसी में कैसे डिपेंड करता है, जितना कम वैलेंसी उतना अच्छा वो उतना ज़्यादा वो क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा। मतलब अगर किसी का वैलेंसी एक है तो वो रिएक्टिविटी है, ज़्यादा रिएक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू दो वैलेंसी वाले से या तीन से या चार से। अब उदाहरण के तौर पर एक और चीज़ देख लो, तो इस प्रकार से हमको ये समझ में आया कि जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो क्या हुआ, तो पोटेशियम हुआ। अब सेम चीज़ सेम रिएक्टिविटी को हम दे लेते हैं नॉन मेटल में भी। अगर हम बात करो मैं नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल में से दो ही उदाहरण लेता हूँ। एक मैं फ्लोरीन का उदाहरण ले लेता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, और एक मैं क्लोरीन का ले लेता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो 17 है। फ्लोरीन का अगर 9 एटॉमिक नंबर है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगा, 2 और 7 बनेगा, और इसका क्या बनेगा, 2.8.7 बनेगा। तो इसका दोनों को एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो ये बीच में क्या हुआ, ये बीच में आपका न्यूक्लियस हुआ, और चूंकि ये फ्लोरीन जो है वो दूसरे पीरियड में आता है, क्लोरीन जो है तीसरे पीरियड में आता है, तो फ्लोरीन जो कि दूसरे पीरियड में आता है तो कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। तो ये 2 सेल मैंने बना दिया, और जो लास्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7 सेल होंगे। तो ये हो गया आपका फ्लोरीन का, और ये बन जाएगा आपका क्लोरीन। क्लोरीन में कुल मिला के 3 क्या बनेंगे, सेल बनेंगे, और आखिर में भी कितने आएंगे, तो 7 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब मैंने बताया भाई देखिए 2.7, 2.8.7, अब दोनों के लिए क्या चीज़ है। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि इनको अपना ऑक्टेट कम्प्लीट, इनको स्टेबल होने के लिए, इनको ऑक्टेट कम्प्लीट करने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि चाहिए इसलिए ये क्या है, तो नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इस आउटरमोस्ट की दूरी, जो आउटरमोस्ट सेल की जो दूरी जो फ्लोरीन की है वो कम है एज कम्पेयर टू किसके, तो क्लोरीन की। क्लोरीन की जो दूरी है आउटरमोस्ट सेल का न्यूक्लियस वो क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो कर पाएगा, लेकिन फ्लोरीन की अपेक्षा इसको क्या करेगा, ये कम कर पाएगा। मतलब हाँ, फ्लोरीन ज़्यादा आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए अगर मैं बात करूंगा कि नॉन मेटल में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर कोई एलिमेंट है तो क्या है, तो फ्लोरीन है। तो कभी अगर आपसे पूछेगा सबसे रिएक्टिव मेटल क्या है, तो ऑब्वियसली क्या है, तो रिएक्टिव मेटल में क्या आएगा, तो पोटेशियम आएगा, और सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल क्या आएगा, तो वो क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। तो इसी प्रकार से आप मेरे से जुड़े रहिए, मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, तो ये 3 चीज़ मैं आपको और बताया, और कल के वीडियो में अब मैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे अब आपको नॉन मेटल और मेटल के संबंध में अब मैं आपको एक वीडियो ला सकता हूँ, आपको मैं जानकारी दे सकता हूँ। अब इस वीडियो के बाद उस चीज़ को समझना आपके लिए ज़्यादा आसान है, ठीक है, और इस प्रकार से आप मेरे जुड़े रहेंगे तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो का आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।